वेलकम टू द पॉलिटी सीरीज ऑफ स्टडी आई क्यू आई एम अमित वरिदी किलोर पॉलिटी की सीरीज में हम लेक्चर नंबर 66 पर पहुंच चुके हैं विच परटेन्स टू दैप्टर फिफ्टी नाइन्थ ऑफ द लक्ष्मीकांत वी आर ऑन द पोर्शन जब हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज डिस्कस कर रहे हैं काफी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जितनी भी लक्ष्मीकांत में दी हुई थी वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं देर आर सेवरल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वी हैव डिस्कस एंड टूडे वी आर ऑन अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बाय द नेम ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इसके साथ साथ एक एसोसिएशन में ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ नाउ थाउजेंड हैज भी है डिले इन लेक्चर नंबर इन ऑर्डर आई एम ट्रीमेंडसली सॉरी अबाउट इट देर आई हैव माई पर्सनल एक्सक्यूजेज बट of them warrants the delay. आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी थोड़ी सी समस्या आई होगी सो आई एम एबसे सॉरी फॉर दैट आई वाई टू इंश्योर आगे, आगे लेक्चर्स में जो ये डिले है ये बिल्कुल भी ना लेट्स विजिलेंस कमीशन सेंट्रल विजिलेंस ये तीन चैप्टर लगातार इन तीनों को एक साथ में पढ़ना हमारे देश के अंदर बड़ी सारी सी बॉडीज हैं बड़ी सारी सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में करप्शन को रोकने के लिए बनाई गई है उनमें से जो तीन सबसे प्रमुख है नंबर वन इज देंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि केंद्रीय सतर्कता विभाग, विभाग ताकि गवर्नमेंट के अंदर अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय करप्शन करता है तो उसको पकड़ा जा सके और उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सके द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट ब्यूरो जो कि बेसिकली करप्शन से रिलेटेड चीजों को इन्वेस्टिगेट करता है और उसकी रिपोर्ट सबमिट करता है एग्जीक्यूटिव को एंड रिसेंटली अगर आप लास्ट डेकेड में आप जानते हैं आपने सुना होगा कि 2011 में एक मूवमेंट हुई थी एक सोशल मूवमेंट हुई थी विच वॉज पर अगेन रिलेटेड टू द करप्शन इन द गवर्नमेंट उसके बाद एक नया लॉ पारित किया गया था जिसका नाम है लोकपाल एंड लोक लोकायुक्त दिस इज अ इंस्टीट्यूशन विच बीन क्रिएटेड कि बेसिकली जो भी पब्लिक ऑफिशियल जिसके ऊपर भी करप्शन के कोई एलिगेशंस लगे हो उनको इन्वेस्टिगेशन किया जा सके और उनको पनिशमेंट किया जा सके आज हमारा जो इशू है आज हम स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन विद विसल ब्लोअर एक्ट को डिस्कस करेंगे हावेवर माई एडवाइस टू यू इज दट कि यह तीनों चैप्टर बैक टू बैक इकट्ठे दिए हुए लक्ष्मीकांत में दिस इज दैप्टर नंबर फिफ्टी दिस इज दैप्टर नंबर चैप्टर नंबर सिक्सटी बिफोर लेक्चर नंबर सेवन इज अपलोडेड परटेनिंग टू देंट्रल इन्वेस्टिगेशन आप लोगों को ये तीनों, के तीनों पढ़ लेने चाहिए तीनों के तीनों ओवरलैप है आई एम पीडी श्योर यू ऑल्सो गेट कंफ्यूज कि कौन क्या कर रहा है कौन एक्चुअली में करप्शन को ढूंढता है वो पता लगाना मुश्किल है ठीक है सो ये दोनों के तीनों चैप्टर को हमेशा जब भी पढ़ो तो इकट्ठे पढ़ लेना ताकि तीनों के तीनों के बीच में अगर कोई सेलियंट फीचर है तो उनको आप आसानी से पता कर सको लेट्स कम ऑन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन विल रिमेंबर व्हाट इज़ अवर पॉइंट इन हेयर हमारा उद्देश्य यहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम्स यूपीएससी मेंस या फिर जो दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं जिसके अंदर पॉलिटी से एसोसिएटेड क्वेश्चंस आते हैं उनको करना है तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जो फंक्शनल एनालिसिस है विल बी लिविंग दैट बिहाइंड हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे कि वो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ काम कर रही है उसके अंदर कमियाँ क्या हैं ये नहीं विल बी फोकसिंग ऑन द क्वेश्चन जो कि प्रिलिम्स या एम सी क्यू फोकस्ड पूछे जा सकते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इंडिया की मेन एजेंसी है जो कि करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है ठीक है दिस इज दी सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी इट वाज एस्टेब्लिश इन दी इन दी 1964 बाय दी एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन दो टाइप की बॉडीज एग्जिस्ट करती है इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल एंड दी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है ऑल ऑफ एनीथिंग विच इज इन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और उसके बाहर जितनी भी है सारी की सारी नॉन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बॉडी है non -constitutional body में कई सारी बॉडी होती है वेयर कंफ्यूजन कैन कम ठीक है कुछ लेजिस्लेटिव बॉडीज होती है कुछ स्टेटोरी बॉडीज होती है कुछ एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनी होती है वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कई बार कुछ बॉडीज ऐसी होती है जो कि बनती एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से है लेकिन उसको बाद में स्टैच्यूटोरी बना दिया जाता है ठीक है जैसे ये 1964 में जब बनाई गई थी तो इसको एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन से बनाया गया था व्हाट इज यानी कि जो गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर देकर बनाया हो जैसे कि कैबिनेट टेक्स अ डिसीजन और उसके लिए एक सेपरेट लॉ ना आए पार्लियामेंट में तो वो इंप्लीमेंट तो होगा ही ठीक है वो इंप्लीमेंट होगा वो उतना ही पावरफुल होता है लॉ की तरह ही बट एक प्रोसेस इज द डिफरेंस सो जैसे कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन नाम की बॉडी बन जाएगी तो वो बन जाती है तो ये 1964 में नॉन स्टेटोरी बॉडी थी नॉन मतलब कि इससे एसोसिएटेड कोई लॉ लॉ का मतलब पार्लियामेंट का कोई लॉ पार्लियामेंट ने कोई एक्ट पास नहीं किया था इट वॉज जस्ट मियरली एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन यानी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर दिया था कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनना चाहिए और क्यों ऑर्डर दिया था संथानम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन करप्शन की जो प्रॉब्लम है सिर्फ आप के जमाने में नहीं हुई है ये हमारे हमारे स्टार्टिंग से जब से हम आजाद हुए तब से गवर्नमेंट को ये फेस करना पड़ रहा है so, 1960s में, जब से उठे, तो गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई संथानम कमेटी जिसका उद्देश्य ये था कि आप कुछ रेकमेंडेशन दीजिए ताकि हम करप्शन को रोक सके दैट संथानम कमेटी एडवाइज टू गवर्नमेंट कि आप एक कमीशन बनाइए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जिसका काम होगा सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के अंदर करप्शन रोकने का दे विल आइडेंटिफाई दीज इश्यूज ये जो क्वेश्चन है कि सीवीसी किसकी रिकमेंडेशन से बनी है यानी कि संथानम कमेटी की संथानम कमेटी की वजह से ये कई सारे पिछले 20 सालों में सेवरल ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है रिपीटेबल क्वेश्चन है ये तो इसको फिर से भूल ये मत मत सोचना कि इसको एक बार कई सारे पूछ चुके तो अब ये नहीं पूछेंगे इट इज आस्ट

कोई खास फर्क नहीं हुआ है कुछ बदला नहीं है सिर्फ और सिर्फ जो पहले से बॉडी थी उसको लॉ के अकॉर्डिंग बना दिया उसको स्टेचुटोरी बना दिया स्टेचुटोरी अगेन आई बिलीव यू नो इट सिंपल मतलब यह है ऐसी बॉडी जिसके लिए पार्लियामेंट को लॉ एग्जिस्ट करता हो ज इट अब दिस इज वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग क्यों क्योंकि इसके बाद का चैप्टर है सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वेरी फेमसली इज नॉट अ स्टेटूटरी बॉडी यानी कि कोई पार्लियामेंटरी लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है उस बॉडी से एसोसिएटेड यह बात ध्यान रखना क्योंकि ये दोनों बॉडी इकट्ठे पड़ते हैं सीबीआई जो है वो सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की देखरेख में ही काम करती है इसीलिए सीवीसी एक स्टेट्यूटरी बॉडी है ये बात ध्यान रखें और सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज ए नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर तो इसको ध्यान रखिएगा दो में बेसिकली जो लॉ पास हुआ सीवीसी को डेजिग्नेट किया गया है ऐसी एजेंसी जो कि रिसीव करेगी और एक्ट करेगी उन कंप्लेंट्स पर या डिस्क्लोजर पर जिसमें किसी भी प्रकार की करप्शन की एलिगेशन हो या फिर पब्लिक ऑफिस के मिसयूज का हो जो कंप्लेन उनको विसल ब्लोअर के द्वारा दी जाती है अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और अगर आप किसी भी प्राइवेट में या पब्लिक में अगर आप कुछ गलत होते हुए देखते हैं और वो आप हायर अथॉरिटीज को रिपोर्ट कर देते हैं तो यू वुड बी कॉल्ड ए विसल ब्लोअर यानी जिसने सीटी बजा दी करप्शन के अगेंस्ट जिसने सीटी बजा दी विसल ब्लोअर तो जो लोग गवर्नमेंट में अगर कुछ गलत काम होता हुआ देखते हैं तो उनको कंप्लेन कहां पे करेंगे अगर अपने ही डिपार्टमेंट में गलत काम हो रहा है करप्शन हो रही है तो अपने डिपार्टमेंट को तो कंप्लेन कर ही नहीं सकते क्योंकि अगर सीनियर ऑफिशियल भी इंक्लूडेड है तो वो तो कोई स्टेप्स लेंगे ही नहीं नीड एविडेंस कोई मिटा देंगे इसीलिए सीवीसी को बनाया गया है इसीलिए सीवीसी को स्टैटरी स्टेटस दिया गया है किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने वाला कोई भी इंडिविजुअल अगर अपने डिपार्टमेंट में करप्शन होता हुआ देखता है तो वो करप्शन की या अपने ऑफिस के मिसयूज की जो डिटेल्स है वो सीवीसी को फॉरवर्ड कर सकता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को एंड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज द डेजिग्नेटेड एजेंसी जो कि ऐसी कंप्लेंट्स को रिसीव करती है उनको इन्वेस्टिगेट करती है और उनके ऊपर एक्ट करती है ये पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मर्स रेजोल्यूशन पी आई डी पाई अगर इसको पूरा देखो कि इट्स जस्ट अंग फॉर दी विसल ब्लोअर रेजोल्यूशन ये क्योंकि दो हजार चार में जब सीवीसी से एसोसिएटेड लॉ बनाया गया था तब उस समय इसको पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इनफॉर्मर्स रेजोल्यूशन कहा जाता था यानी व्हिसलब्लोअर रेजोल्यूशन कहा जाता था बाद में 2011 में 2011 में व्हिसलब्लोअर रेजोल्यूशन को भी एक एक्ट बना दिया गया था सो देर इज अ पार्लियामेंट लॉ टू प्रोटेक्ट व्हिसलब्लोअर ठीक है उसको भी कहते हैं उसके ऊपर हम आ जाएंगे इसीलिए इससे कनेक्टेड है कमीशन इज ऑल्सो एम्पावर्ड एज दी ओनली डेजिग्नेटेड एजेंसी टू एक्ट अगेंस्ट कंप्लेन्स मेकिंग मोटिवेटेड और वैक्सीटियस कंप्लेन यानी कि कोई अगर ये फ्रॉड गलत कंप्लेन्स भी तो गलत हो सकती है तो अगर गलत कोई कंप्लेन करता है तो उनके अगेंस्ट भी सीवीसी ही एक्शन लेता है तो दोनों तरफ से करप्शन की कंप्लेन आई सी बी सी विल इज द डेजिग्नेटेड एजेंसी और कोई फेक कंप्लेन कर रहा है गलत मेलिशियस कंप्लेन कर रहा है तो उसको भी बेसिकली सी बी सी ही उसके अगेंस्ट एक्ट करता है परफेक्ट है इतना ही सिंपल सीवीसी बेसिकली इंडिया का सबसे एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है ठीक है विजिलेंस का मतलब सतर्कता रखता है सतर्कता रखता है कि इस पर किसी भी प्रकार की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं है मतलब प्रैक्टिकलिटीज में तो डिफरेंट चीज़ें ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके ऊपर एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल ना हो सके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बट टू अंडरस्टैंड द थ्योरिटिकल की सीवीसी का पर्पस क्या था व्हाई इट वाज मेड व्हाट वाज द एम व्हाट वाज द एंबिशन ऑफ सी वाज कि इसको प्योरली कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बना देना है समथिंग लाइक जुडिशरी ठीक है देर इज अ लॉड ऑफ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर है लेकिन अंडरस्टैंड करेंगे हम इसको थ्योरिटिकली कि इस पर किसी एग्जीक्यूटिव का कोई कंट्रोल नहीं होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से एसोसिएटेड सारी की सारी विजिलेंस एक्टिविटीज एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से एसोसिएटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है प्लानिंग एग्जीक्यूटिंग रिव्यूइंग रिफॉर्मिंग देयर विजिलेंस वर्क अगेन यहां पे आप देखिए हम फोकस कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड पर कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है स्टेट गवर्नमेंट्स के विजिलेंस नहीं करता है ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉज के लिए होता है जिसको आइडेंटिफाई करेंगे कमिंग टू द नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं कंपोजिशन पे सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का आपको कंपोजिशन पता होना चाहिए याद करने का एक ही तरीका है अपनी बुक उठाओ लक्ष्मीकांत एक टेबल बनाओ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की एक टेबल बनाओ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की एंड देन उस टेबल के अंदर बेसिकली एक्सेल काइंड ऑफ टेबल है स्क्वायर वाली तो उसके अंदर सारी की सारी चीजें आपको इसमें मतलब इसका कंपोजिशन क्या है इसका कंपोजिशन क्या है इसका कंपोजिशन का दैट इज द ओनली वे टू रिमेंबर इट चैप्टर वाइज रिमेंबर नहीं होगा टेबल के द्वारा ही रिमेंबर होगा कमिंग टू द सीवीसी जैसे इलेक्शन कमीशन है उसी प्रकार से सीवीसी भी मल्टी मेंबर बॉडी है मल्टी मेंबर बॉडी का मतलब यह है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का एक चेयरपर्सन है एंड नॉट मोर देन टू विजिलेंस कमिश्नर्स ठीक है तीन लोग होते हैं मैक्सिमम तीन हो सकते हैं जरूरी हो तो दो भी हो सकते हैं एक चेयरमैन बना दिया दूसरा सिविल सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बना दिया दो अगर दो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हो गए तो तीसरा नहीं हो सकता ये है लिमिटेड है इसके अंदर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं नॉट एन इश्यू सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशनल और जो इंपॉर्टेंट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वो सारी की सारी प्रेजिडेंट ही अपॉइंट करते हैं बाई वॉरंट अंडर हिट्स हैंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए थ्री मेंबर कमिटी जिसमें प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर होते हैं एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन दी लोकसभा किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की जो सिलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल में कोई सिलेक्शन कमेटी नहीं होगी वो हमेशा से पहले से पर्पस तरीका बताया होगा कि कैसे सेलेक्ट होता है लेकिन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जितनी भी होती हैं इन जनरल आप देखोगे दर इज अ पैटर्न विच इज बीन फॉलोड कि एक कमेटी होती है जिसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है अपोजिशन को भी यूजअली प्राइम मिनिस्टर हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं और जिस भी कमेटी में जिस भी कमेटी uh, के अंदर प्राइम मिनिस्टर है ही ऑलवेज बी दी हेड ऑफ दैट कमेटी वो तो कभी भी सेकेंड uh, मेंबर नहीं हो सकते वो हमेशा हेड होंगे उसके अलावा लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ द लोकसभा ऐसी कई सारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जिनके हेड को या चेयरपर्सन को सिलेक्ट करने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन को भी इंक्लूड किया जाता है दे होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ फोर ईयर्स या फिर वो सिक्सटी फाइव साल के हो जाए जो भी पहले है आफ्टर देयर टेन्योर उनको दोबारा से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है इंडिपेंडेंस बनाने के लिए ताकि उनको किसी प्रकार से गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस ना कर सके वी वी वॉन्ट की सीवीसी जिसके ऊपर कोई भी एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस ना कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ना हो अब एज फार एज द नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आर कंसर्न अभी तक हमने जितनी की हैं वी हैव लेफ्ट दी नीति आयोग और उसके बाद हमने जितनी भी की हैं उन सब में सेम पैटर्न है रिमूवल का सबके अंदर कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है सेम टू सेम है कि प्रेजिडेंट इनके जो चेयरपर्सन होते हैं या कमिश्नर्स जो है उनको रिमूव करने के क्या तरीके हैं पांच सर्कमस्टेंसेज होते हैं अगर कोई भी इंसॉल्वेंट हो बैंक हो जाए पैसा ही नहीं है हमें अपना कर्जा चुकाने के लिए अगर कोई ऐसे ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हो जाए जिससे मॉरल टर्पिट्यूड होता है यानी कि ऐसा अगेन दिस इज लाइक एम्बिगुअस ऐसा कुछ टाइम आने पर ही डिसीजन लिया जाएगा कि उन्होंने जो काम किया था उससे सोसाइटी के मॉरल टर्पिट्यूड पर फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है इफ ही एंगेजेस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग हिज ऑफिस बाहर से कहीं और दूसरी पार्ट टाइम नौकरी करने लग गए हैं इफ ही इज इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेजिडेंट इन फर्म ऑफ माइंड और बॉडी दिमाग से या बॉडी से काम करने के लायक नहीं रहे हैं तो उनको हटा दिया जाया जा सकता है इफ ही इज एक्वायर्ड सच फिनेशियल और अदर इंटरेस्ट कि उनको अपने ऑफिशियल फंक्शन करने में प्रिजुड्यूस हो जाए अगेन एज फार एज द नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी यू डोंट है Uh, का कैसे रिमूवल होता है वो कंपलसरी है वो ध्यान करना है वो याद भी करना उस पे questions है उस पर क्वेश्चन आते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में ये पांच सर्कमस्टेंसिस है हटाने के और उसके अलावा एक और एक्स्ट्रा होता है कि जो भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनको हटाया जा सकता है दो बेसिस पर ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपैसिटी

अगर वो कंसर्ण है या इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट मेड बाई दी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ा कॉन्ट्रैक्ट निकाल रही थी और हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को उसके अंदर काफ़ी इंटरेस्ट था खुद भी एक कंपनी बना के वो कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते थे ऐसे बात हो गई तो बेसिकली इसका मतलब उन्होंने मिसबिहेवियर किया है इस बात को प्रेसिडेंट खुद डिसाइड नहीं करेंगे इस बात को सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करने के बाद कंफर्म करेगा देन देन सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट कैन रिमूव सेकंड अगर वो किसी ऐसी जगह पर पार्टिसिपेट करते हैं इन वे जिन पे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट पे जिनको उनको प्रॉफिट हो जाता है या फिर उसके अलावा किसी ऐसी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के मेंबर हो जो कि उस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फायदा उठा रही है प्रॉफिट ले रही है ठीक है ट इज इट तो ये मिसबिहेवियर या इनकेपैसिटी का जो सिस्टम है वो पहले से डिसाइडेड है दिस इज दी ओनली इसी बात को गिल्टी ऑफ मिस बिहेवियर माना जाएगा और कोई नहीं है मिस बिहेवियर यह मत सोचिएगा कि अगर चीफ विजिलेंस कमिश्नर की बाहर किसी से लड़ाई होगी रेस्टोरेंट में तो उसको मिस बिहेवियर कहेंगे उसको मिस बिहेवियर नहीं माना जाएगा इन दी कॉन्टेस्ट ऑफ रिमूविंग हिम सोचली उसको मिसबिहेवियर कह सकते हैं इसके साथ साथ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के एसोसिएशन में इतना ही जानना जरूरी है यस, देर इज क्वेश्चन जो कि मेन्स में आएगा परटेनिंग टू एनालिसिस ऑफ वर्क कि क्या ये एक्चुअली में सक्सेसफुल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के इसका एनालिसिस इसके कॉन्स कि इसको स्टैट्यूटरी बनाने के बाद भी कुछ करप्शन रुकी है कुछ फायदा है इनके पास इन्वेस्टिगेटिव पावर है हाउ मेनी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बीन अक्यूज ऑफ करप्शन हैज एक्चुअली बीन कन्विक्टेड बाई सी

डिस्क्लोजर और प्रोटेक्शन ऑफ इनफॉर्मर रेजोल्यूशन यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट में किसी ने डिस्क्लोज की है और ऐसा इंफॉर्मर उसकी प्रोटेक्शन यूजुअली क्या होता है कि जब ऐसी गवर्नमेंट करप्शन में जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक, एक केस के अंदर काफी करप्शन चल रही थी तो एक आरटीआई एक्टिविस्ट थे सत्येंद्र दुबे उन्होंने बेसिकली उस करप्शन को जैसी उजागर करने की कोशिश की गई तो उनकी हत्या कर दी गई यूजुअली जो विसल ब्लोअर होते हैं उनके ऊपर पूरा का पूरा करप्ट डिपार्टमेंट अटैक कर देता है और जो वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं माफिया होता है वो भी उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है तो इसीलिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी कि जो पब्लिक इंटरेस्ट में डिस्क्लोजर दिया जाए और ऐसे इन्फॉर्मर को प्रोटेक्ट कैसे दिया जाए उसके लिए रेजोल्यूशन था और इसका काम दिया गया है हमारे सीवीसी को आफ्टर टेन आफ्टर फ्यू ईयर इसी रेजोल्यूशन को बेसिकली लॉ के अंदर बदल दिया जिसको कहते हैं विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2011 में पारित हुआ था 2014 में एक अमेंडमेंट के द्वारा उसका नाम बदल के विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 कर दिया गया एक्ट है जिसके अंदर एक मैकेनिज्म दिया गया है कि जो ये इन्फॉर्मर होते हैं जिनको करप्शन अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में दिखती है उनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए उनकी किसी एलिगेशन पे इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाए अगर कोई इंडिविजुअल देख रहा है कि पब्लिक सर्वेंट मिसयूज कर रहे हैं पावर को और इसकी कंप्लेन कहीं करना चाहता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा एंड मोर इंपॉर्टेंटली ऑल्सो प्रोटेक्ट दोज पीपल जो कि गवर्नमेंट बॉडीज प्रोजेक्ट्स या ऑफिसिस के अंदर किसी भी प्रकार की रॉन्ग डूइंग को एक्सपोज कर रहे हैं सिंपल नाम है बहुत ही सरलता से विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट ऐसा आदमी जिसने सीटी करप्शन के ऊपर ध्यान दया है अब उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है नाउ दिस वाज टेकन ड्यू टू सेवरल आरटीआई एक्टिस्ट या कई सारे विसल ब्लोअर हैं, जिनकी बेसिकली हत्या कर दी गई थी यूजली करप्ट लोगों ने या फिर माफिया जो इन्वॉल्व होता था उसकी वजह से लॉ लाने की जरूरत पड़ी थी रॉन्ग डूइंग कैसा भी हो सकता है फ्रॉड हो सकता है करप्शन हो सकता है मिसमैनेजमेंट हो सकता है एंड स्पेसिफिकली इसी एक्ट के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि हम ऐसी कौन सी पनिशमेंट इंश्योर करें क्योंकि कुछ झूठ फॉल्स और फ्रिवलियस कंप्लेंट्स भी दे सकते हैं कुछ लोग हो सकता है कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हो उस प्रोजेक्ट को स्टॉल करने के लिए रोकने के लिए या किसी पर्सनल वेंडेटा की वजह से फॉल्स या फ्रिवलेस कंप्लेन कर दें तो एक्ट के अंदर वो भी लिखा हुआ है कि ये सब करोगे तो भाई आपको फंस सकते हो एक्ट क्या होता है वट विसल ब्लोर प्रोटेक्शन एक्ट इट डेब्लिशेज अ मैकेनिज्म कि कंप्लेंट कैसे रिसीव होंगी रिलेटेड टू द करप्शन की या मिस यूज ऑफ पावर की एलिगेशन के अगेंस्ट एनी पब्लिक सर्वेंट और इंक्वायर और कॉज एन इंक्वायरी इन टू दी सच डिस्कलोजर यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसर आप सीवीसी को सिंपल एक कंप्लेन एलिगेशन की डिपार्टमेंट हमारे, हमारे में यू कैन सेंड दैट एंड इसका मैकेनिज्म लॉ के अंदर लिखा हुआ है एंड हाउ उसके बाद इंक्वायरी आगे होगी सीवीसी कैसे इंक्वायरी करेगी वो इसके अंदर लिखा हुआ है एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स एडिकुएट सेफ गार्ड अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग सच कंप्लेन्स जस्ट मै आई विल है इन दी एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस इन दी वर्स्ट के सीनरियो यूजली जो विसल ब्लोर होगा द वेस्टेड इंटरेस्ट पीपल हु आर बेनिफिटिंग फ्रॉम द करप्शन विल किल हिम उनके ऊपर अटैक कर देंगे उनको मार ही देंगे बट इन दैकेंड वर्स्ट के सिनेरियो वो उनको जॉब के अंदर हैरेस करना स्टार्ट कर सकते हैं उनकी प्रमोशन रोक सकते हैं उनके अगेंस्ट कंप्लेट डालना स्टार्ट कर सकते हैं तो इस लॉ के अंदर ऐसे सेफ गार्ड्स दिए गए हैं कि अगर कोई विसल ब्लोर बन जाता है तो उसको प्रोटेक्ट किया जाए हाउ सक्सेसफुल दे आर विल डिस्कस इट्स डे इट अलाउज एनी पर्सन इंक्लूडिंग पब्लिक सर्वेंट टू मेक अ पब्लिक इंटरेस्ट डिस्कलोजर बिफोर अम्पिटिट अथॉरिटी एंड दैट अथॉरिटी इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन लॉ ने एलोबरेटली ऐसे कई सारी सीट कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ को डिस्क्राइब किया है जैसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू कंप्लेट अगेंस्ट एनी यूनियन मिनिस्टर इज प्राइम मिनिस्टर ये है हमारा प्रिलिम्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इसको याद करो रट्टा लगावा यूनियन मिनिस्टर के अगेंस्ट अगर आपको कंप्लेन करनी है तो किसके सामने कंप्लेन करेंगे तो सीधा सीधा प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख देंगे कि ये यूनियन मिनिस्टर इस समय किसी प्रकार से मिसमैनेजमेंट है फ्रॉड है जो भी अगर आप देखते हैं तो वो आप कंप्लेन किया जा सकते हैं तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधा सीधा ठीक है कि पब्लिक ऑफिशियल है यूनियन मिनिस्टर उनके अगेंस्ट अगर करप्शन फ्रॉड मिसमैनेजमेंट की मिसल ब्लोइंग की कोई कंप्लेंट होती है तो किसको की जाती है मिनिस्टर एंड ये भी दिया हो कि प्राइम मिनिस्टर कैसे इंक्वा करेंगे दिस इज स्लाइटली स्लाइटली सुनिए विशल ब्लोअर को अपना नाम लिख के भेजना होता है सीबीसी को और इवन इवन इट कम्स टू प्राइम मिनिस्टर उनको बताना पड़ेगा कि हम कौन है

पूरा केस भी हो जाएगा पूरा इंक्वायरी हो जाएगा जिसके अगेंस्ट करप्शन के केसेस जिसके अगेंस्ट करप्शन की एलिगेशन है उनको भी नहीं बताया जाएगा विसल ब्लोअर का नाम बट दिस डज क्रिएट अ प्रॉब्लम एंड दिस इज प्रॉबली समीजन क्यों कुछ लोग सामने नहीं आना चाहते हैं देर आर सिचुएशन दे नो कि जो रेमिफिकेशन होंगे वो ज्यादा सीरियस हो सकते हैं अगर हमारा नाम सामने आ गया तो बट देर आर सेफ गार्ड ऐसा नहीं है लॉ के अंदर सेफ गार्ड नहीं है लॉ कंप्लीटली से इसकी जो भी नाम रिवील कर देगा उसको तीन साल की दो साल की जेल हो जाती है बट देन अगेन दिस इज व द मैक्सिमम टाइम पीरियड फॉर मेकिंग कंप्लेंट इज सेवन ईयर अगर आप 2010 में काम करते थे किसी गवर्नमेंट ऑफिसर में और अगर आपने वहां पे कोई करप्शन देखी थी तो उसकी कंप्लेन 2021 में नहीं की जा सकती है मैक्सिमम टाइम जो आपके कंप्लेंट का है वो सिर्फ और सिर्फ सात साल है एग्जेम्पन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिल्स क्वेश्चन एक्ट इज नॉट अप्लीकेबल टू स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप विच इज विसल ब्लोअर विसल ब्लोअर एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप पर्सनल एंड ऑफिसर्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट ऑफ नाइनटीन हंड्रेड एटीट स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक स्पेशल फोर्सिस स्पेशल फोर्स है इंडिया की जो कि सिर्फ और सिर्फ टॉप मोस्ट अटमोस्ट डिग्निटरी डिग्निटरीज को प्रोटेक्ट करती है इस समय इंडिया में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रोटेक्ट करने के लिए है और किसी के लिए भी नहीं Uh, कुछ समय पहले 1991 में ड्यू टू द थ्रेट टू द फैमिली सोनिया गांधी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी क्योंकि उनके पिताजी और दादी जी की मृत्यु टेररिस्ट अटैक में हुई थी तो उनको भी दिया गई थी लेकिन उनको दो के बाद हटा दी गई है जो एक्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं उनकी प्राइम मिनिस्टर के हटने की डेट से पांच साल तक उनको भी एसपीजी ग्रुप की प्रोटेक्शन होती है लेकिन 2019 में मनमोहन सिंह जी की भी हटा दी गई दिस मोमेंट प्रेजेंटली स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के जो पर्सनल है उनको बेसिक सिर्फ और सिर्फ वो इस समय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रोटेक्ट करते हैं ओनली सिंगल वन इंडिविजुअल नाउ स्पेसिफिकली इनको ग्लोबल एक्ट से क्यों हटाया गया देखो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप पर्सनल और ऑफिसर्स बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रखते हैं रिलेटेड टू द सिक्योरिटी ऑफ दी कहीं पर भी बाहर लीक कर सकते हैं दैट माइट एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज दिक्योरिटी इसीलिए सबसे पहले इसमें कोई विशल ब्लोर एक्ट नहीं लगेगा अगर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का कोई पर्सनल ऑफिसर किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को बाहर लीक करता है एंड टू बी ऑनेस्ट इवन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ करप्शन और फ्रॉड इंटरनल है ऐसा नहीं है कि अलाउड है ऐसा नहीं अलाउड है इंटरनल सिस्टम बनाए हुए हैं कि नहीं कर सकते हैं बट बाहर किसी को नहीं बताया जा सकता एंड सिमिलरली एसपीजी जो है दे आर ऑल्सो बार्ड फ्रॉम एनी आर टी आई दो तीन चीजें हैं देखो मेंबर ऑफ एसपी जी आर बार्ड बाई द एसपी जी एक्ट फ्रॉम कॉन्टेक्ट विद द मीडिया स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के मेंबर्स मीडिया से किसी भी प्रकार का कभी भी कोई भी कांटेक्ट नहीं रख सकते हैं कभी कभी आपने सुना होगा मीडिया कुछ इंफॉर्मेशन लिया था सोर्सेज इन यूनियन मिनिस्ट्री टोल्ड अस दिस सोर्सेज बता देते हैं तो कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं कुछ सेक्रेटरीज हैं कुछ इंफॉर्मेशन इधर उधर जर्नलिस्ट और गवर्नमेंट uh, के बीच में शेयर होती रहती है एसपी जी भी नहीं कर सकते हैं मीडिया से किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को पब्लिश नहीं कर सकते हैं कोलेबरेट नहीं कर सकते हैं इन पब्लिशिफ ऑफ एनी बुक लेटर और डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू देयर वर्क इंक्लूडिंग रिटायरमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विसेज कई सारी सर्विसेज ऐसी होती है कि जब तक सर्विस में है तब तक तो आप कुछ मत बताइए रिटायर हो गए तो आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं बड़े सारे से जो स्पाइज होती हैं आईबी के मेंबर्स होते हैं रॉ के मेंबर होते हैं आईपीएस जो होते हैं रिटायरमेंट के बाद वो किताबें लिखते हैं एसपी के जो मेंबर्स हैं उनको वो भी अलाउड नहीं है मीडिया से कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं दे आर ऑल्सो एग्जेप्ट फ्रॉम एनी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट उनको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी उनके ऊपर नहीं लगता है तो अगर हम देखें एसपी जी एसपी जी के ऊपर विसल ब्लोअर एक्ट विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लगता है वहां के ओ, अगर वहां पे कोई विसल ब्लोअर करेगा तो उनके अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया जा सकता है उनके ऊपर आर टी आई भी नहीं लगता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट भी उनके ऊपर नहीं लगता है उनको मीडिया से भी कॉन्टैक्ट नहीं दिया जा सकता है एंड इवन आफ्टर रिटायरमेंट इन सर्विस तो वैसे ही नॉर्मली भी नहीं कर सकते हैं बट इवन आफ्टर रिटायर वो किसी बुक को पब्लिश नहीं कर सकते हैं किसी बुक की पब्लिशिंग में कोलेबरेट नहीं करते रिलेटेड टू देयर बुक वर्क तो अगर कोई एस पी जी का पर्सनल या मेंबर कवि बनना चाहता है रिटायरमेंट के बाद या कुछ नॉवल लिखना चाहता है वेल एंड डू लिख सकते हैं पर अपने वर्क से रिलेटेड नहीं किया जा सकता एंड दिस वॉज इट रिलेटेड टू दी वी सी एंड द ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट ये बात ध्यान रखना कि विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप पर्सनल पर और ऑफिसर्स के ऊपर नहीं लगता दैट इज इंपॉर्टेंट विच कैन बी आस्ट इसके अलावा कुछ भी नहीं है सी बी सी इसके बाद हम करेंगे सी बी आई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन द लेक्चर नंबर सिक्सटी सेवन एंड विल देन गो गोन लोकपाल एंड द लोकायुक्त This is the Telegram channel that you can join. And before we take off, yes, uh, I actually there is a lot of apologies in order, so I am actually sorry for the delay. No excuses actually. Have a nice day.